एक दूसरे से बातचीत करेंगे और कोशिश ये करेंगे एक दूसरे को समझने और जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो आपकी चिंताएं हैं उसको क्लास के बाहर छोड़ के आइए और बहुत प्रयास करिए कि पूरी ज़िंदगी में आपको बात करना अगर आ गया तो आपकी सफलता चार गुनी हो जाती है। तो जब प्रोफेसर्स बात करें तो उसे बहुत गौर से सुनो। मैं अपने आप को उत्साहित करने के लिए ये वर्ड नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि प्रोफेसर अपने आप में एक लाइब्रेरी होता है। प्रोफेसर ने 10,000-5,000 बच्चों को पढ़ाया होता है और वो 10-50,000 बुकों का अध्ययन करके पढ़ा रहा है। तो आप एक बुक पढ़ोगे, दो बुक पढ़ोगे, चार पढ़ोगे, पढ़ना सीखोगे। और प्रोफेसर ने क्या कर रखा है, अपने आप में बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं और उन किताबों से ज़्यादा उसने अपनी ज़िंदगी पढ़ रखी है। क्योंकि प्रोफेसर कम से कम आपसे 2-3 गुना बड़ा होता है ना। सपोज दैट कि आई एम लाइंग एट 50, यू ऑल आर 18 और 19 ईयर ना। सो कम से कम 2-3 गुना आपसे ज़्यादा अनुभव होता है। लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सिखाती है, और वो है आदमी का अनुभव। समझ रहे हैं, बुक झूठ बोल सकती है, आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन अनुभव के आधार पर कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती, राइट। तो अनुभव कैसे आएगा, कहते ज्ञान कैसे आता है, बुक पढ़ने से। बल्कि ज्ञान ज़्यादा आता है अच्छे और विद्वान लोगों की संगत से, याद रखें। तो पहला प्रयास ये करें कि अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त से ये नहीं कि खराब जो हैं उन्हें छोड़ दो, अगर खराब हैं तो उन्हें प्रेरित करके अच्छा बनाने का प्रयास करो, ठीक है ना, करेंगे ना। और अच्छा पर बनाने का प्रयास इन द सेंस क्या है कि उनसे ये कहो कि किसी की बुराई करना बंद कर दो। अक्सर मिलते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक चर्चा का बाजार गर्म रहता है, हालांकि इसकी दोषी सबसे ज़्यादा लोग महिलाओं को मानते हैं, जबकि ये निराधार है। पुरुष भी उतने ही ज़्यादा लोगों की बुराई करते हैं, ये सच है ना। और वो क्यों करते हैं, क्यों भाई कोई बताएगा क्यों करते हैं। देखिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ एचआर, आप ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं इतने सहजता से पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखवाऊँगा, ठीक है, प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन ज़िंदगी का एक पहलू ऐसा समझाऊँगा जो आपको बहुत ही रोचक लगेगा और जो आपकी ज़िंदगी को संवारने का एक आइडिया हो सकता है, एक मेथड हो सकता है ना। तो क्यों करता है आदमी एक दूसरे की बुराई, बोलो। आपकी तरफ से एक आध कोई आंसर आए तो बात अच्छी बनेगी। जलसी, जलसी क्यों होती बेटे, कोई दूसरा बताए, जलन की वजह से। अगर निगेटिव आ नकारात्मक स्पर्धा कि आदमी अपनी अच्छाइयाँ और दूसरी की कमियाँ केवल देखता है, और ओवरनाइट अगर उसको एक अच्छा प्रोफेसर है, उसको नॉलेज है, तो दूसरा प्रोफेसर ये कहता है कि ठाप इसने तो रट रखा है, मेरी नॉलेज अच्छी है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं खान साहब, इनका तो विषय ही है बोलने का, और करते क्या हैं ये, मुझे कोई ये बताया कि दूसरा प्रोफेसर कौन सा हल जोतता है। भाई हमारा काम ही पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए बहुत अनिवार्य है कि आपका कम्युनिकेशन और आपका बातचीत करने का सलीका बहुत बेहतर होना चाहिए कि वो आपके दिल दिमाग में उतर जाए,
तो जब वो प्रयास करके शोध नहीं कर पाते, रिसर्च नहीं कर पाते, पढ़ाने का प्रयास नहीं कर पाते, तो फिर उसके बराबर आने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि फिर उसकी बुराई करो ना। अगर कोई अच्छा हो रहा है और उस अच्छाई तक हम नहीं पहुंच पाते, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या करते हैं, अपने आप को शांत करने के लिए उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, ढूंढते हैं ये तो बहुत ही ख़राब आदमी है, अरे इनके घर के बारे में जानिए कैसे हैं, इनका बिहेवियर तो बिल्कुल ख़राब है, ये हमारे एक प्रोफेसर काफ़ी सीनियर थे तो वो काफ़ी कालांतर में छोड़ भी गए संस्थान, तो उनका ये मानना था कि जितने लोग शीर्ष पर हैं यहाँ वो सब के सब चापलूस हैं, ये सब बड़े अधिकारी और मालिकों की सेवा बर्दारी करके पढ़ते लिखते नहीं हैं और अच्छे औहदों और अच्छी सैलरी पर पहुंच जाते हैं। उनका मानना था अपना, सोच में हो सकता है कि वो पूरी तरीके सही हो या गलत हो। तो आदमी एक दूसरे की बुराई इसलिए करता है कि उस तक पहुंचने का प्रयास क्षणिक करता है, एक दिन में करता है। भाई किसी ने, मान लीजिए किसी के पास BMW है, कार है, पैसा है ना, बहबो है, तो उसे देख के ये कहता है कि ये सब कुछ हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन उसकी पीछे की मेहनत नहीं देखता। हाँ, अंबानी की आज दौलत देखते हैं लोग, लेकिन ये नहीं देखते कि उनके पिताजी बहुत दिन तक जो है पेट्रोल पंप में 100 रुपये रोज में पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, है ना। फिर वो क्या करते थे कि ये पान का जो सामान होता है डली एक्सेट्रा, वो भी कभी किसी ने कहा बेचा करते। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम ये जानें कि जिसकी सफलता है वो एक दिन में नहीं आएगी, ठीक है ना। सफलता के लिए क्या करना पड़ता है, सफलता के लिए आपको त्याग करना पड़ता है ना। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग जल्दी जगो। क्यों जल्दी जगो, क्योंकि जब जल्दी आप 5 बजे उठोगे, एक आदमी 8 बजे उठेगा, तो 3 घंटा आपने उससे ज़्यादा समय आपके पास हो गया और उस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी मेमोरी और बुद्धि में कोई चीज़ जाने वाली है तो ब्रह्ममुहूर्त होता है। ये वेदों से लेके, कुरान से लेके, बाइबल से लेके सब में उपयोगिता बताई गई है कि सूर्य नारायण से 3 और 4 घंटे का जो समय होता है बड़ा शांत होता है, क्योंकि कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, है ना। एटमॉस्फेयर और पर्यावरण के दृश्य से उस समय की जो दशा होती है वो दिन भर में नहीं हो सकती 24 घंटे में, है ना। बड़ा कूल होगा, शांत होगा, टेम्परेचर यहाँ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर जगह टेम्परेचर अच्छा रहता है उस पीरियड में, है ना। आदमी का चिंता स्ट्रेस क्यों बढ़ता है, उसके 2 कारण हैं। एक तो वातावरण में दूषित हवा, दूषित पानी, 2 तो एनवायरमेंटल कारण हो गए, और तीसरा उसकी सोच, कि वो सोचता हमेशा ये है कि हमें कुछ ना करना पड़े और हम इसके बराबर हो जाएं, इसके आगे हो जाएं। सामान्य तौर पर कंपटीशन आपको दौड़ने का करना है तो उसके बराबर खड़े होकर दौड़ने का प्रयास करिए। कहते हैं कि उसकी टांग टूट जाए और हम बहुत धीमे धीमे चलें और हम रेस जीत जाएं। ये जो बुराई है ये चिंता का कारण है। तो आज हमारा जो विषय है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जानते हो क्या होता है, कहते हैं बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं बहुत चिंतित हूँ, है ना, मैं डिप्रेशन में हूँ, हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड करूँ। ये सब वर्ड सुने ना आपने, स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस के कारण क्या है, है ना, स्ट्रेस के टाइप क्या है, स्ट्रेस का निवारण क्या है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसे थेरेपी के तौर पर बुलाया जाता है मैनेजमेंट के, हालांकि ये सब्जेक्ट नो डाउट किसका है, साइकोलॉजिस्ट का,
साइकेट्रिक्स का, MBBS का, जो काउंसलिंग करके लोगों की चिंता को दूर करके और उसे क्या करते हैं, सही उसका स्वभाव बना देते हैं और उसकी सफलता मिलने लगती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, यही पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? समाज में फैली हुई भ्रांतियाँ, लोग बड़े चिंताग्रस्त हैं। आज आप देखेंगे किसी से भी पूछिए क्या हाल है, कहते हैं बहुत परेशान है। क्यों? महंगाई बहुत है, क्या करें, बच्चे की नौकरी नहीं लगी। बच्चे से पूछो, कहता है कई बार एग्जाम दिया और इतने स्कैंडल हो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक लोग करप्ट बैठे हैं कि हमारा नंबर ही नहीं आता। जो ईमानदार आदमी है वो पढ़ पढ़ के आंखें फोड़ रहा है और पता लगता है कि लेफ्ट और राइट से लोग घूस दे के उन जगह पर पहुँच रहे हैं और स्कैंडल का पर्दाफाश हो रहा है, तो उस विभाग के चपरासी से लेके ऊपर तक के अधिकारी और मंत्री भी उसमें लिप्त पाए जाते हैं ना। तो चिंता का एक बाहरी कारण क्या हो सकता है कि राज और समाज की जो व्यवस्था है वो सामान्य नहीं है और वो ऐसे अवसर प्रदान नहीं करती जिसमें सबका समुचित विकास हो और सबको तरक्की करने के सामान्य अवसर प्राप्त है कि नहीं। तो ये स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, स्ट्रेस का दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये कॉज है। एक तो मैंने बता दिया, दूसरा तुम लोग बताओ क्या हो सकता है। जब भी कभी आप कम समय में ज्यादा कार्य करना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि आज तो मैं पूरी अकाउंट पढ़ लूंगा, है ना, खान सर आएंगे चुटकियों में, मैं पूरी अकाउंट पढ़ लूंगा आज। नहीं पढ़ सकते आप, मैं आज पूरा वो भी पढ़ लूंगी, हैं, मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आज मैं पूरी लगा लूंगी। तो जो 30 दिन में काम करना है उसे एक दिन करना चाहेंगी तो स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, राइट। और क्या कारण हो सकता है, हैं, एक कारण और भी हो सकता है कि अगर आप किसी भी जगह का, है ना, कहाँ आ गए, महाराजा अग्रसेन गढ़वाल यूनिवर्सिटी आ गए और कल एडमिशन लिया है, आज हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, नहीं पता है क्या होगा, डर होगा, डर होगी, चिंता होगी, तो और ये डर और चिंता क्या करती है कि आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं और जो व्यवस्था है किसकी, शरीर की जो संरचना है उसमें उथल पुथल मचा देते हैं। आप ये देखिएगा कि एक शांत पानी हो और उसमें एक पत्थर डाल दो तो कैसे बीप्स ट्रेड्स ऐसे करके किनारे तक जाते हैं, हो सकता है बचपन में आपने किया हो, तो क्या होता है, ये बाहर से जब जान डालते हो वो उसको ऊर्जा दे देता है, हाँ, तो ऊर्जा से क्या होता है, उनको भी ऊर्जा मिलती है। और स्वभाव ये है कि हर आदमी क्या होता है, लीस्ट लेवल ऑफ एनर्जी में रहना चाहता है, लीस्ट लेवल ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के निम्नतम स्तर में रहना चाहता है। कैसे, आप दौड़ के आइए, खूब पसीना निकल रहा हो तो आप क्या चाहते हो, बैठ जाए, क्यों भाई चाहती हो, नहीं बैठ जाए, बैठने से क्या होता है, साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे MGH, ये क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो उसमें क्या होता है, जमीन से जैसे करीब आते हैं आप ना, H क्या होता है, कम हो जाता है, तो ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो अंदर के ऑर्गन को क्या, रस मिलता है ना। दौड़ते हैं तो क्या होता है, हाफी आती है और दिल बहुत तेज धड़कता है ना। तो वास्तविक मूल अवस्था में जो स्वभाव है लोगों का कि वो निम्नतम स्तर में रहना चाहते हैं। आप देखिए खड़े हैं बहुत देर तक तो आदमी को तकलीफ होती, बैठ जाता है,
है ना। हाथ से बहुत देर तक काम करता है और मशीनों का युग आ गया, पैरों से भी काम होने लगा, तो उत्पादकता पता है आपको 5 से 10 गुना बढ़ गई। क्यों? हाथ से पहले मजदूर करते थे और एक लिमिटेशन है, उसके बाद क्या होता था, वो थक जाते थे ना। जब पैर से करने लगे तो हाथ स्वतंत्र हो गए, और पैरों का योगदान पता है क्या है, पूरे शरीर का योगदान है पैरों में, हाथों में योगदान किसका है, इतने ब्रेन का, ठीक है ना, इतने पार्ट का, नीचे हैं तो उसमें ये सब का योगदान है। तो क्या होता है, अच्छा कार्य करने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आज आपको हम समझा रहे हैं कि उसको दूर कैसे करोगे और